और भाई ये अपना होटल, इसी में आज 2 दिन के लिए और क्वारंटीन होना है अपने को। मेरा एक और बैग है। ये हो रहा है क्वारंटीन। गुजरात में, और मैं भुज में लैंड किया था। उसके बाद में 1.5 आवर ड्राइव थी जो मुझे मुंद्रा लेके आई है, और अभी इस समय मैं जिस होटल में हूँ वो है होटल फर्न। और यहाँ पे भी मुझे अभी 3 दिन का आइसोलेट रहना है, और उसके बाद फिर मुझे फाइनली शिप पे ज्वाइनिंग करनी है। और मुंबई में जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे मुझे मॉर्निंग में 4 बजे उन लोगों ने उठा दिया था, और 7:30 बजे की फ़्लाइट थी और 4 बजे उन्होंने उठा दिया। एंड उसके बाद में एयरपोर्ट पे चेक इन एंड एवरीथिंग, और उसके बाद में फाइनली यहाँ पे। सो इट वाज अ टायरिंग डे, एंड उसके बाद यहाँ पे आकर के थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। सो आपको मैं अपना रूम टूर दिखा देता हूँ। सो उन दू त्रस। तो अच्छा है, एंड काफ़ी हैक्टिक जर्नी थी आज की। सो सुबह के 4 बजे से मैं जगा हूँ और अभी बज रहे हैं दिन के 12, और मैंने सिर्फ सुबह एक कप चाय पी थी और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। सो अभी लग रही है बहुत जोर की भूख। सो कुछ ऑर्डर करते हैं। एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया, मैं कल से नहाया नहीं हूँ। सो खाने से पहले नहा के आते हैं। सो हाँ भाई, नहा लिया एंड नाउ ऑल फ्रेशन अप, और अभी ऑर्डर किया खाना। एंड भाई आज जितनी खुशी मिल रही है वो इसलिए क्योंकि पिछले 9 दिन से हम लोग जहाँ पे थे वही रोज खाना खा खा करके फेड अप हो चुके थे, और वही प्री प्लेटेड खाना आता था। अपना मन का कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, कहने को सिर्फ एक बड़ी प्रॉपर्टी थी बट अपनी पसंद का आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे पूरी फ्रीडम है भाई साहब, आज खुल के ऑर्डर किया है, जो मर्जी ऑर्डर कर रहा था बिंदास ऑर्डर किया है। सो वेट कर रहे हैं, आने के बाद दिखाते हैं। थैंक यू।
ओके थैंक यू वेरी मच। तो भाई आज बड़े दिन के बाद में मनपसंद खाना ऑर्डर किया है और बड़ी खुशी मिल रही है देख करके कि जो ऑर्डर करा था वही आया। तो जस्ट हैव अ लुक। तो भाई ये है मेरा आज का लंच, फुल किंग साइज। लच्छा पराठा एंड दिस मुर्ग लजीज, मैंचाउ सूप, फ्राइड नूडल्स, गुलाब जामुन एंड दिस स्प्राउट। तो हाँ भाई, अभी आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि इस समय मैं होटल में नहीं हूँ और ये है मेरे शिप का रूम। यस, मैं अभी शिप पे आ चुका हूँ। एक्चुअली वहाँ से हम लोग 10 तारीख को ही निकल गए थे और रास्ते में मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का, सो वो चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाया। और पोर्ट पे भी अलाउड नहीं था वीडियो शूट करना, तो एक रीज़न ये भी है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया और डायरेक्टली शिप पे ही आ गया। और उसके बाद मुझे शिप पे आने के बाद 1-2 दिन लगा सेटल होने में और इसलिए बीच में फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। फिर मैंने अभी सोचा कि अब थोड़ा सा सेटल हो गया हूँ तो वापस से स्टार्ट करता हूँ। सो ये मेरे शिप का रूम है और 10 तारीख को उन्होंने शिप पे ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद में इंडिया से हमारा शिप पाकिस्तान के लिए निकला था कराची। एंड आफ्टर दैट कराची से वापस श्रीलंका के लिए गया, 5 डेज सेलिंग। बस यही चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। और सॉरी, जो बीच की जर्नी है वहाँ की, पोर्ट की एंड ऑल, वो ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाया। थोड़ा सा ही शूट करा है, वो भी क्योंकि अलाउड ही नहीं था वहाँ पे शूट करना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अभी अपने रूम से ही आपसे बात कर रहा हूँ। सो होपफुली नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक फुल टूर दूंगा शिप का कि शिप अंदर से कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, कहाँ पे कैसे नेविगेट करते हैं, कहाँ पे खाना बनता है, शिप के रूम्स कैसे होते हैं एंड वट एवर रिलेटेड टू द शिप। सो अभी मैं आपको एक छोटा सा एक दिखाता हूँ कि मेरा रूम एग्जैक्टली है कैसा। सो ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं रहता हूँ शिप पे, कुछ इस तरह से दिखता है। और शिप में रूम्स को रूम्स नहीं बोलते हैं, कैबिन बोलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे फॉलो करते हैं, रूम्स ना बोल के कैबिन्स। सो ये है छोटा सा रूम टूर, थोड़ा सा मेस्ड अप है और यहाँ पे मैं अपनी अपकमिंग वीडियो की एडिटिंग भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और रात के इस समय 11:30 बज रहे हैं, मॉर्निंग में मुझे वापस 6 बजे शिफ्ट पे जाना है। सो रात में 11:30 बजे मैं आप लोग के लिए शूट करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये है हमारा रूम, दिस इज वॉशरूम है। और इसके बाहर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉरिडोर कैसा होता है यहाँ का। देख सकते हैं आप, ये है कॉरिडोर और यहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग रूम्स हैं। ये पूरा कॉरिडोर है। और इस समय रात में 11:30 का टाइम है इसलिए कोई है नहीं, पूरा सन्नाटा है। और ये
ऊपर के डेक के लिए। और ये है मेरा केबिन, एज यू कैन सी माय नेम इज रिटन हियर। सो आज के वीडियो में बस कुछ खास नहीं है और बस इतना ही है। नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक पूरा डिटेल में शिप टूर दूंगा। सो होपफुली आपको पसंद आएगा। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड फिर मिलते हैं आपसे। कीप वॉचिंग मनीष व्लॉग्स एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, बाय।